और आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल मैथ इन सेकंड्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रतिशत की, तो चलिए सीखने के लिए चलते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड की तरफ। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रतिशत के टॉपिक की। तो देखिए प्रतिशत जो है वो मैथमेटिक्स की नींव कही जाती है। आप कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, आपको उसे प्रतिशत तो निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है पर इसमें भी अक्सर लोग गलती कर देते हैं और उनकी पूरा क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस वजह से गलत हो जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, आप 550 का आपको 20% निकालना है। तो सबसे पहले आपको इसका बेस बता देते हैं कि इसका बेस है क्या। तो देखिए आपको करना क्या है, इसमें आपको 100 लेना है, ठीक है। 100 को आपको जो भी क्वेश्चन मतलब इसमें संख्या दी हुई है उसके 100 के इक्वल मान के इसका आंसर निकालना है। तो 100 के इक्वल इसमें क्या दिया हुआ है आपको, 550, ठीक है। अब आपको निकालना कितना प्रतिशत है उसको ऊपर रखिए, तो कितना परसेंट निकालना है इसमें, 20%। तो इसको काट दीजिए, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 110। इस तरह प्रतिशत बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए इसमें एक इस तरह का क्वेश्चन आता है, आपको एक डिजिट दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि वो कितना परसेंट है, किस संख्या का कितना परसेंट, इतना परसेंट है। तो देखिए हम इसमें कैसे करेंगे, इसमें अभी तक मैंने आपको बताया था कि आपको 100 के इक्वल जो संख्या है वो लेनी है, पर इसमें 100 के इक्वल संख्या नहीं दे रखी है बल्कि उसको ही सस्पेंस में रखा गया है कि किस संख्या का 20% है। तो इसमें करना क्या, आपको 100 का मान निकालना है, तो 100 आप ऊपर रखिए। अब क्या कहा गया है कि 20% है जो 75 है, मतलब ये वाला डिजिट जो है वो किसी भी संख्या का 20% है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 20 और जो मान हमें दिया हुआ है इसके इक्वल वो क्या है, 75। तो इससे इसको काट दीजिए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 375। इस तरह आप इसको हल कर सकते हैं। दोस्तों इसमें इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाता है, एक डिजिट दिया जाता है, पूछा जाता है कि दूसरे डिजिट का कितना परसेंट है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है 225 है जो 1125 का कितना प्रतिशत है। तो आप इसमें एक चीज नोट करिए, इसमें आपको 100 के इक्वल जो मान है वो दिया हुआ है, यानी कि इस मान का जो है अमाउंट है वो 100 के इक्वल हम ले सकते हैं क्योंकि पूरी संख्या दी हुई इसमें। तो हम इसमें क्या करेंगे, 1125 गुणा 100। अब आपको मान कौन सा निकालना है, ये 225 है ना, तो इसको हम ऊपर रखेंगे। अब इससे इसको काट देंगे तो 5 और 5 से 100 को काटेंगे तो 20%, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 20%। तो इस फॉर्मूले से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन इस तरह का भी दिया होता है कि वह संख्या जो 850 से 25% अधिक है, तो हमें यह संख्या चाहिए। और हमें इसमें देखिए दोस्तों इसमें गौर करने वाली बात ये है कि आपको 100 के इक्वल मान दिया हुआ है पर आपको चाहिए कितना, 25% मोर, तो यानी कि 100 + 25 125% चाहिए आपको इसका। तो देखिए हमें 100 के बराबर मान क्या दिया हुआ है, 850, और 25% एक्स्ट्रा चाहिए, यानी 100 + 25 = 125% चाहिए हमें। तो इसका हम जो चाहिए होता है वो हमेशा ऊपर रखा जाता है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 25 × 125 = 100, और हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1062.50। तो इस तरह से आप इसका हल निकाल सकते हैं इस तरह के जो भी क्वेश्चन हो। दोस्तों अभी हमने बताया आपको अधिक के बारे में, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 15 जैसे ये संख्या है, वह संख्या जो 1400 का 15% कम है, यानी कि 1400 में से इसका 15% आपको लेस करना है, तो आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे हमको 100 के इक्वल मान कौन सा दिया हुआ है, 1400 है, 1400। अब आपसे क्या पूछा गया है कि 15% कम, यानी कि 100 में से 15% गए तो आपके पास क्या बचा, 85, यानी कि हमको यह संख्या है जो इसका 85% है, तो हमें यह संख्या निकालनी है, तो हम इसको 85 को ऊपर रखेंगे, इससे इसको काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा
इसी से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1190। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इस तरह से हल कर सकते हैं। दोस्तों एक इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, यदि ए के पास बी से 20% अधिक धन है तो बी के पास ए से कितने परसेंट कम धन होगा। तो देखिए इसमें दो व्यक्ति दिए हुए हैं आपको, ए और बी। अब क्या कहा गया आपसे पहली लाइन में कि ए के पास बी से 20% अधिक धन है, यानी कि बी के पास हमने मान लिया कि 100 रुपए है, तो ए के पास कितने हो गए, तो ए के पास हो गए 20% एक्स्ट्रा, यानी कि 120। अब क्या पूछा गया, अब ये कहा गया कि बी के पास जो धन है वो ए से कितने परसेंट कम है, यानी कि जो इसका जो डिफरेंस है जो क्या है 20 रुपीज, ये 120 का कितने प्रतिशत है आपसे ये पूछा गया है। तो देखिए हम इसको ऐसे निकालेंगे, एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है पास 20, ए का अमाउंट कितना है 120, यानी कि 120 का परसेंट ये पूछा गया है गुणा 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 और इससे इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16/2/3%। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसमें देखिए आपको एक क्वेश्चन इस तरह का मिल जाता है कि गेहूं के भाव में 20% की कमी हो जाने पर समान रुपए में कितना गेहूं अधिक लिया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों इसमें कहा क्या गया है कि 20% की कमी हो जाने पर, यानी मान लीजिए आपके पास 100 रुपए थे और उन 100 रुपए में आप पहले खरीदते थे 1 किलो गेहूं, अब इसमें 20% की कमी हो गई यानी कि इसका भाव हो गया 80, पर हमको खर्च करना है अभी 100 रुपए, तो हमारे पास अब जो गेहूं आएगा अतिरिक्त वो कितना अधिक लिया जा सकता है आपसे यह कहा गया है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर किस तरीके से निकाल सकते हैं, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है 100 गुणा कमी या वृद्धि जो भी आपको दी हुई हो अपॉन 100 माइनस या प्लस। माइनस इसलिए कि अगर आपको कमी दी हुई हो तो आपको माइनस करना है, अगर वृद्धि दी हुई हो तो आपको प्लस करना है, ठीक है। अभी हमें क्या दिया हुआ है, अभी हमें कमी दी हुई है तो हमें करना क्या है 100 गुणा कमी यानी कि 20 बटा में 100 माइनस 20, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे अब 100 गुणा 20 बटा में 80। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए 20 चौके 80 और इसको इससे करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 25%। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 25% गेहूं अब अतिरिक्त खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा प्रतिशत का टॉपिक यही खत्म हुआ। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर ऐसा है तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और फिर भी यदि आपको कोई सुझाव या कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ आपसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।